नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बीएड विद्यार्थियों के लिए एक बुरी खबर यहाँ पर है। ये वीडियो बनाते वक्त भी बड़ा दुख मुझे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उम्मीद लेकर बैठे थे कि गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिलेगी, तो उनके लिए ये एक दुखद खबर है। देखिए, ऑलरेडी आपने पिछले 2-3 महीने में ये चीज देखी होगी कि बीएड स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बाहर निकाल दिया गया है 125 की वैकेंसी से, राइट। जिसका जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी देखिए काफी सारे केसेस रनिंग थे, तो पटना हाई कोर्ट में भी एक केस रनिंग था जिसमें ये था कि भाई जो 6th फेज की वैकेंसी है बिहार के अंदर, जिसके तहत काफी सारे स्टूडेंट्स को जॉब पे रखा गया था, तो उनका क्या, क्योंकि ये जो ज्यूरिडिक्शन था वो पुरानी डेट पे जो केसेस पहले तीन चार साल पहले केस डाल दिए जाते हैं, उस बीच काम होते रहते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से पहले होते थे। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वो 2-3 साल में जिन भी स्टूडेंट्स को नौकरियां मिली होती है, खुशखबरी मिली होती है, तो अगर वो उनके हित में नहीं हुआ तो वही छीन ली भी जाती है। और कुछ ऐसा ही इस फैसले के बाद देखने को मिल रहा है। एंड ये अभी तो बिहार के लिए है, ऐसा और भी स्टेट से हमें केसेस देखने को मिल सकते हैं। एंड काफी चीजें देखिए, मतलब आप ये लगा लो ऑल ओवर इंडिया से अब, मतलब बीएड के स्टूडेंट्स पहली से पांचवी तक की जो वैकेंसीज हैं, जो पहली से पांचवी तक के टीचर्स हैं, वो आप बन ही नहीं सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल में तो ये बिल्कुल 100% लागू हो गया है। अब आपके पास स्कोप बीएड करने के बाद कम हो जाता है, वो बचता है आपके पास सिर्फ एलिमेंट्री, यानी कि आप 6th ऑनवर्ड्स टीचर बन सकते हो, राइट, जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है। और साथ में अगर आप पीजी बीएड से पहले या बाद में अपनी पीजी कर लेते हो तो आप सेकेंडरी क्लासेस को, सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा सकते हो। सो अब यहीं तक स्कोप लिमिटेड है। प्राइमरी टीचर्स आप नहीं बन सकते हो, जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएड कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ये सभी के लिए है। अब देखिए, बीएड को ना कहीं गवर्नमेंट की तैयारी है हटाने की, और अब जो कोर्स आएगा वो होगा बीएलएड। ये सब उसी की तैयारी चल रही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बोला गया है कि 2030 तक ये 2 साल के जो डिप्लोमा कोर्स है तो बिल्कुल हट जाएंगे, सिर्फ बीएलएड कोर्स रह जाएगा जिनको टीचर्स बनना है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड का एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, इसके बारे में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, बीएलएड एक्चुअल में है क्या, तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं करने की उनके लिए बहुत जरूरी होगा। सो अब आप लोग, आपको क्या करना है, अगर आप प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना चाहते हो तो अलग ही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के आपको आपके सब्जेक्ट्स का चुनाव बीएड के अंदर ग्रेजुएशन में पीजी में करना पड़ेगा। इस पे एक डिटेल वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी। अभी के लिए ये जो भी अनाउंसमेंट हुई है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अदरवाइज मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ गुड न्यूज़ शेयर करनी थी, पर इसमें कुछ गुड है नहीं। सो एक बहुत ही दुखद न्यूज़ ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी भी जो भी अपडेशन्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे रिगार्डिंग द सेम। इसका जो भी फैसला आया है, इसकी एक कॉपी आपको मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगी, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां पे देख सकते हो। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वीडियो के। धन्यवाद।